एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 3rd के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, आओ फटाफट से चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ के, है ना, के का वैल्यू बताना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट हैव द रियल सॉल्यूशन। क्या है, रियल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, और रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब d का वैल्यू लेस देन 0 देखने को मिलेगा, है ना। d का वैल्यू किससे होगा, 0 से छोटा देखने को मिलेगा, तब वहां पर कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि इमेजिनरी सॉल्यूशन होता है। वो सब क्लास 11th में तुम आराम से पढ़ोगे। अभी तो हमें बस ये बताया गया है कि रियल सॉल्यूशन नहीं होता, और रियल सॉल्यूशन तब नहीं होता जब d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना से होता है, 0 से छोटा होता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, और ये होगा लेस देन 0, लेस देन 0। अब अगर इस वाले पार्ट में देखो तो a का वैल्यू क्या होगा, a होता है कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है k, b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू होता है कॉफिशियंट ऑफ x जो कि दिया है माइनस 5, और c का वैल्यू कितना होगा, डेट इज प्लस का 1, प्लस का क्या 1, ठीक है। b का वैल्यू कितना है माइनस 5, तो माइनस 5 का हमने कर दिया स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है k, इंटू c का वैल्यू कितना है 1 इज लेस देन 0। माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और माइनस का कितना हो गया 4k इज लेस देन कितना हो गया 0, लेस देन कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। ठीक है सर, अब ये माइनस में है इधर गया तो प्लस में, हालांकि ऐसे नहीं होता जब इनइक्वालिटी होता है, यानी कि बीच में इक्वल्स टू का साइन नहीं होता ना, तो वैसे केसेस में दोनों तरफ जो नंबर दिया है उसको जीरो करने के लिए दोनों तरफ माइनस कर दो, यानी दोनों तरफ माइनस 25 करोगे ना तो कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 25 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4k, और माइनस 25 करोगे तो इधर भी हो जाएगा कितना, माइनस का 25, है ना। या फिर आप समझ सकते हो कि ये वाला प्लस में था, इधर गया तो किसमें हो गया, माइनस में, बट वो प्लस वाले साइन के साथ होता है। जब इस टाइप से इनइक्वालिटी आ जाता है ना, फिर वैसे केसेस में हमें दोनों तरफ माइनस करना होता है वैल्यूज को, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहां पर भी माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस का साइन है, तो यहां पर ध्यान देखना कि जब तुम माइनस से माइनस कैंसिल करते हो तो जब बीच में रहता है, यानी कि अगर ये वैल्यू ऐसा होता ना कुछ माइनस माइनस 4k is equals to minus 25, अगर supposed ऐसा होता तो यहां तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते थे, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें माइनस का साइन तो है बट बीच में कैसा साइन है बताओ, बीच में कुछ इस तरीके का ग्रेटर देन लेस देन का साइन हमें यहां पर बना हुआ है, तो वैसे केसेस में अगर तुम माइनस से माइनस को कैंसिल करते हो ना तो बीच का साइन अपोजिट हो जाता है, यानी कि अगर तुम इसे 4k लिखते हो और इधर 25, यानी माइनस से माइनस को तुमने क्या कर दिया, कट कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, माइनस को कट कर दिया, तो वैसे केसेस में साइन भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा, यानी बीच का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब k इज लेस ग्रेटर देन कितना आएगा 25/4। अब तुम क्या करोगे कि यहां पर तुम देखोगे 25/4 आ रहा है और उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर b दिया है, तुम टिक करके आ जाओगे, गलत करोगे। हमें बोला है k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और k का वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है कितना, k का वैल्यू जो है वो हमें दिया हुआ है कि ग्रेटर देन है 25/4। ये नहीं बोला है कि k का वैल्यू इक्वल्स टू 25/4 है, अगर इक्वल्स टू होता तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता, बट हमें बोला है कि k का वैल्यू जो है वो 20/4 से बड़ा है, तो k इज ग्रेटर देन किससे बड़ा होगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 6.25, यानी बोल रहा है k का वैल्यू 6.25 से बड़ा है, और अगर तुम देखो तो 6.25 से बड़ा वैल्यू एक हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, तो इसको तुम ध्यान से याद रखना, अगर तुमने याद नहीं रखा तो फिर हो सकता है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन में एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4th के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।